नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। नमस्ते, मैं शंकर नारायण जी। नई दुनिया इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे मध्य शंकर नारायण जी हैं, आप फाउंडर ऑफ सात्विक विज्ञान सोसाइटी, काउंसलर ऑफ इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन और आप मेंबर हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वीगन फूड टास्क फोर्स। इसके साथ साथ आप फाउंडर हैं स्थित प्रज्ञा वीगन फॉरेस्ट के। तो स्थित प्रज्ञा वीगन फॉरेस्ट के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन आइए सर से रूबरू करते हैं और उनके जीवन शैली के बारे में जानते हैं। आप फाउंडर ऑफ सात्विक वीगन सोसाइटी हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर। धन्यवाद जी सर। आपसे जानना चाहेंगे जो वीगनिज्म या वीगन कॉन्सेप्ट है, हमें लगता है कि ये शायद एक वेस्टर्न पद्धति है जिससे हम अपना रहे हैं और भारत में देखा जाए तो हम गौ माता को मानते हैं और जो वो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो दूध है उसे हेल्दी मानते हैं और उसे डेली उपयोग करने के लिए आयुर्वेदा भी कहता है, लेकिन ये वीगन कॉन्सेप्ट क्या है और आपने इसको क्यों अपनाया? नमस्ते सबको, मैं कर्नाटक से हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, इतना अच्छा नहीं है, क्षमा कीजिए कुछ गलत होते तो। मैं वीगन के बारे में पहले सुनाऊंगा। वीगन अंग्रेजी वर्ड है, ये वेजिटेरियन दूसरा अंग्रेजी वर्ड उससे निकला गया है। पहला तीन लेटर्स VEG और लास्ट दो लेटर EAN, ये पांच लेटर्स को मिला के वीगन वर्ड बनाया। वेजिटेरियन का मीनिंग वर्ड छोटा कर दिया और मीनिंग बढ़ा दिया। वेजिटेरियन मतलब जो जानवरों को हत्या करके खाना वो नहीं होता है, उसका वर्ज्य होता है सात्विक, या जानवरों को मांस मच्छी वगैरह नहीं खाते। वीगन में दूध भी नहीं खाते, वो भी जानवरों से आया हुआ दूध को नहीं पीते हैं और किचन में किसी के खाने तैयारी में उसका इस्तेमाल नहीं करते। ये पहला कंडीशन है वीगन का। और दूसरा, वीगन मतलब वीगन में जिंदगी में वो किसी और एक्टिविटी काम में जानवरों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्यों, वही वीगन क्यों, मतलब हम सब मानते हैं अहिंसा हमारा परमोच्च धर्म है, जैनिज्म में बोलते हैं, हिंदुइज्म में बोलते हैं, बुद्धिज्म, सारा भारत का धर्म है, उसमें हिंसा को वर्ज करना, अहिंसा को प्रैक्टिस करना बहु मुख्य इम्पॉर्टेंट काम होता है, इसकी एक अंग वीगन होता है। हिंसा किसी को नहीं करने का है, क्योंकि ये बहुत दुख की विचार है, हिंसा सहने का किसी को भी बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए हिंसा नहीं करना हमारा आद्य कर्तव्य होता है, हिंसा नहीं करना ये परम कर्तव्य हमारा, अहिंसा परम धर्म है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लेकिन जैसे भारतीय संस्कृति में जब हम गाय माता से दूध लेते हैं किसी बच्चे को पिलाने के लिए, तो इसमें हिंसा कहाँ से आई? ठीक है, पहले भगवान कृष्ण के टाइम पर और उस वेद के टाइम पर जानवरों को बहुत जगह होता था, वो हमारा मानव लोग बहुत कम होते थे, जगह में जानवरों को इधर उधर जाना खाना बहुत आसान से हो जाता था। उस समय थोड़ा गाय को रक्षा करना बहुत, क्योंकि ये टाइगर्स बहुत होते थे, गोरक्षण, उससे रक्षण करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। उस समय हम गाय को रक्षा करते थे, रक्षा करने के बाद उस गाय को बिचड़े को दूध देने के बाद थोड़ा मिल्क थोड़ा हम भी लेते थे जी, वो अलग बात था, क्योंकि आजकल वैसा नहीं है। हमारे ह्यूमन का जनसंख्या बहुत बढ़ गया, हमारा रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा डिमांड्स ज़्यादा हो गया, हर खाने में हम जानवरों को इस्तेमाल करते हैं जानवर दूध को, इसीलिए गाय को बहुत सारा दूध देना पड़ता है। ये दूध ज़्यादा दूध देने के लिए हम क्या करते हैं, उसका बहुत तकलीफ पहुँचाते हैं जी, उसको इंजेक्शन देते हैं, उसको हार्मोन देते हैं, उसको यूरिया डाल के दूध ज़्यादा बनवाते हैं और बहुत जल्दी से उसको गर्भधारण आर्टिफिशियल से करते हैं, उसको चार पांच जल्दी से जल्द करके बाद में
उसका दूध कम हो जाने के बाद उसको कसाईखाने में बेचते हैं। ये सब पहले नहीं था, ये 40-50 साल अंदर अंदर शुरू हुआ ऐसा काम, पहले इतना नहीं था जी। पहले बहुत हिंसा बहुत कम था जी। उस समय कृष्णा के टाइम तो हिंसा ही नहीं था, क्योंकि कृष्णा पालक था, सबको ठीक से देखता था। आज कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, उसका तत्व को आचरण नहीं करते हैं। हम गो रक्षा करने तो गो को तकलीफ नहीं पहुंचाना, सिर्फ मारना नहीं, कुछ भी तकलीफ भी नहीं पहुंचाना है, ये तत्व है। हम तकलीफ पहुंच के दूध निकालते तो वो हिंसा होती है, इसीलिए हम वीगन्स हिंसे के जुड़ा हुआ जो वस्तुओं को नहीं खाते हैं। जी। हमको भगवान से गौरव है, गो रक्षा करना है, परंतु गो के शोषण करके उससे कोई वस्तु हम नहीं खाते हैं। जी बिल्कुल। तो सात्विक वीगन सोसाइटी के फाउंडर हैं आप, तो कैसे ये सोसाइटी बना और आपको कब रियलाइज हुआ पहली बार कि मुझे वीगन बनना है? मुझे बहुत पहले इसका विचार आ गया, मैं करीब 40 साल पहले 1989 में, 35 ईयर्स हो गया, 35 साल हो गया, उस समय महात्मा गांधी जी का आत्मकथा पढ़ा मैंने, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जी। उसमें गांधी जी भी दूध पीना बंद किया था, क्योंकि उस समय भी गाय से दूध निकालते के समय बहुत दुख पहुंचाता था, इसीलिए गांधी जी ये देख के मैं जिंदगी में कभी गाय का या भैंस का दूध नहीं पीऊंगा ऐसा बोला। बाद में उसको बहुत हेल्थ बीमारी पड़ गया था, उस समय डॉक्टर ने मना के गोट का बकरी का दूध पीने को परमिशन दिया, इसीलिए गांधी जी बकरी का दूध पीता था, गाय का और भैंस का दूध कभी नहीं पिया, क्योंकि उधर हिंसा था। गांधी जी अहिंसा का बहुत बड़ा प्रतिपादक था, वो दूध में हिंसा है इसीलिए उसने, क्योंकि हम जबरदस्ती लेते हैं, जबरदस्ती लेते हैं, इसीलिए उसको हिंसा कहा गया है, इसीलिए गांधी जी ने छोड़ा था। मैं भी वो देख के, वो पढ़ के मैं भी दूध पीना बंद किया जी बिल्कुल 1989 में। बाद में 1989 वीगन के बारे में पता चल गया, उसके बाद 23 साल बाद 2001 में मैंने कंप्लीट वीगन बन गया। कंप्लीट मतलब कॉन्शियसली मैं किसी के हिंसा में शामिल नहीं होता, कोई भी दूध प्रोडक्ट्स आप नहीं लेते हैं, दूध भी नहीं, तो कोई भी जानवर प्रोडक्ट नहीं खाता हूँ, पीता हूँ ना ही आप, और यूज करते हैं। सिर्फ जानवरों को नहीं, आदमियों को, औरतों को और ह्यूमंस को दुख नहीं पहुँचाना है, ये हमारा तत्व है, अहिंसा प्रैक्टिस करना कम्प्लीट से। इससे आपको क्या लगता है, गायों को तो बेनिफिट्स हो ही रहा है, जैसे डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी कम हो जाती है, तो जैसे आपने बोला कि आप हिंसा नहीं करते, आप अहिंसा के फॉलोअर्स हैं, किसी को भी दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है प्रकृति को और एनवायरनमेंट को? इसमें तीन तरीके से फ़ायदा है। पहले गाय को और जानवरों को दुख कम पहुंचाता है, हम उसमें शामिल नहीं होते हैं। दूसरा, हम जब दूध पीना बंद किया हमारा तबीयत अच्छा होता। अभी भारत में बहुत बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स है, डायबिटीज से बहुत सारा रोग है, बहुत सारा अस्पताल है, मतलब बहुत सारे रोगियों हैं। क्यों रोग इतना हो, पहले उतना नहीं था, अभी क्यों, अभी दूध पीना ज़्यादा हो गया, मांस मच्छी खाना ज़्यादा हो गया, इसीलिए ह्यूमन को बहुत सारा रोग आता है। ये रोग से बचाने के लिए हम जानवरों को शोषित नहीं करना है, ये दूसरा फायदा, जानवरों को पहला फायदा, दूसरों को हमारे लिए फायदा, तीसरा परिसर को फायदा। परिसर को क्या है, परिसर में क्या होता है, अब हम हमारा डिमांड्स पूरा करने के लिए बहुत सारा गाय को पैदा करते हैं, अब नेचुरली वो नहीं पैदा होता है, ये हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये जानवरों को डॉक्टर ने क्रिएट करता है, डिलीवरी का ओके ऐसा हो जाता है, इंजेक्शन से गाय को दूसरा गाय बनाता है, इसीलिए वो नेचुरल नहीं है, नेचुरल में उतना गाय नहीं हो सकता, अब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा भारत में 25-30 करोड़ गाय भैंस है, उतना गाय के लिए खाना भी नहीं मिलता है जी, वो प्लास्टिक खा के बहुत बीमारियां पड़ता है, उसके बाद हम उसको जो हम खा सकते हैं वो ऐसा खाना खिलाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, वीट खिलाते हैं, और सारा फूड जो खिलाते हैं वो हम खा सकते हैं डायरेक्ट, बहुत बहुत सारा खाना,
या फीड कैटल फीड आता है बहुत खाना, उसमें यूरिया मिला के दूध ज़्यादा बनाने के लिए ऐसा करके बहुत गलत तरीके से हम खाना बना के उसको खिलाते हैं। इसलिए क्या होता है, परिसर नाश होता है। परिसर में हम गाय को घास खिलाने के लिए हम पेड़ को काटते हैं, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं। इसीलिए इधर सिर्फ भारत में नहीं है, ग्लोबल हर जगह पे ऐसा होता है, क्योंकि उतना जगह नहीं है गाय को फीड करने के लिए। ये बाहर से वो आर्टिफिशियली करके वो गाय को फीड करता है, इसके प्रकृति नाश भी होता है। ये एक तरीका। दूसरा तरीका कि गाय अपना स्टमक से एक गैस उत्पत्ति करता है, मीथेन गैस। एक गैस बहुत लेथल है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है परिसर के लिए। हमारा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज अभी सुन रहा है, अभी हम फील कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। इस साल बहुत कम बारिश हुआ था हमारे जगह पे, ये सब कुछ जगह पे ज़्यादा बारिश होता है, कुछ जगह कम होता है। ये क्यों होता है, ये परिसर में असमतोलन हुआ है। ये किसी लिए कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड उत्पत्ति होता है ऑटोमोबाइल से, फैक्ट्री से, वैसे मीथेन गैस जानवरों से उत्पादन होता है जी। ये जानवरों से ज़्यादा नंबर जानवरों को पैदा करके हम अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं, परिसर को पहुंचाते हैं। जैसे हम चिकन के लिए फिर हेंस को भी पालते हैं ना, तो उससे भी जो हाइब्रिड तरीके से पालन पोषण करते हैं उससे भी ब्रीड करके तो वो भी बढ़ता है। वो भी चिकन फीड मतलब वो हम उगाते हैं, हम ग्रो करके उसको फीड करते हैं, वो नेचुरली फॉरेस्ट जाके रन नहीं रहता है। आर्टिफिशियल तरीके से हम उनके संख्या को बढ़ाते हैं। इस करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए और फीड ज्यादा चाहिए। 1 kg चिकन बनाने के लिए या 1 kg दूध बनाने के लिए, 1 liter दूध बनाने के लिए बहुत सारा रिसोर्सेस हम इस्तेमाल करते हैं। वो इंस्टेड ऑफ ऐसा कन्वर्ट करके 10 kg फीड कन्वर्ट करके 1 kg चिकन बनाने से हम खाना डायरेक्ट खा सकते हैं जी। बिल्कुल, वो कन्वर्ट कर इनएफिशिएंट वे होता है एनवायरमेंटल, लेकिन लोगों को वो जो टेस्ट है, जो जीव के जो आप कह सकते हैं लालच है, लोभ है खाने पीने की, तो वो टेस्ट तो पेड़ पौधों से नहीं मिलता ना, तो इसीलिए शायद हम उस टेस्ट को फील करने के लिए और खाने की ओर और उसे टेस्ट करने की ओर चले जाते हैं। वैसे टेस्ट करने के बाद अब आजकल लोग बहुत तंबाकू खाते हैं, वो भी टेस्ट के लिए खाते हैं सिर्फ। फायदा क्या है, फायदा नहीं है जी, तो बीमार पड़ जाते हैं, कैंसर हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम हो जाता है अपना आप। इसीलिए इसी तरह से ये जानवरों को खाने से भी ऐसा ही है, वो तकलीफ और टेस्ट के पीछे पड़ के, जीव के पीछे, जीव के पीछे पड़ के टेस्ट के बारे में हम भागते अपने आप को और दूसरों को, एनवायरनमेंट को बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके लिए एक दृढ़ संकल्प चाहिए और अपने मन में ठानना चाहिए कि मुझे प्रकृति को रक्षा करना है, खुद को भी निरोगी बनाना है, तभी हम कर सकते हैं। शायद आप इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन के काउंसलर भी हैं, तो ये इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन क्या करता है? वेजिटेरियन यूनियन बहुत पुराना संस्था है, 1905 में शुरू हुआ था, जर्मनी में शुरू हुआ था, 4 countries ने मिला के एक ग्लोबल विश्व का वेजिटेरियंस को इकट्ठे करने के लिए एक संस्था बनाया। बाद में वो बढ़ता गया, मैं 2006 से अभी 17 साल हो गया उससे जुड़ा हुआ हूँ जी। ये ग्लोबल फेडरेशन है सारा वीगन वेजिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस का, संस्थाओं को एक साथ इकट्ठा करके और उसका ग्लोबल फेस्टिवल बनाते हैं एक हर साल। इस साल मुंबई में होने वाला है जी, अक्टूबर 29-30 में मुंबई में 48th वर्ल्ड वीगन फेस्टिवल हो रहा है। उसमें विश्व का सब लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं, इसका फ़ायदा प्रॉब्लम सब डिस्कस करते हैं, ये लोग को पहुँचाते हैं। ये ग्लोबल फेडरेशन है, पहले जर्मनी में शुरू हुआ था बट अभी इंग्लैंड में हेड ऑफिस है। हर कॉन्टिनेंट का, हर करीब 160 countries का मेंबरशिप है उसमें जी, और 18 काउंसिलर होते हैं जी। इलेक्शन में ये मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करके वो 3 साल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसका। तो आप उनमें से एक, इंडिया के रिप्रेजेंट करता हूँ मैं एक हूँ। हमारा आज का प्रेसिडेंट ब्राज़ील का है, मार्ली विंकलर है। ये हम अगला साल वियतनाम में हो रहा है। विश्व के हर जगह पे एक साल होता रहता है, भारत में पहले भी हुआ था, पहले 5 बार हुआ था, 1957, 67, 77, 93, 2006, ऐसे 5-6 साल भारत में हुआ था।
अब फिर भारत को मौका मिला जी, मुंबई में हो रहा है। ऐसा बहुत सारा काम हम करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, और वीगन का सपोर्ट सिस्टम के लिए मेंबरशिप होता है, यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सब वेजिटेरियंस और वीगन की रिप्रेजेंटेशन ये आईबीयू करता है। मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि इसमें भी गांधी जी का हाथ था जी। गांधी जी ने 1930 में इंग्लैंड में एक भाषण दिया लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी मेंबर्स के लिए। वो लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी का गांधी जी ट्रेजरर बना था जी, वो जब वो स्टूडेंट था उसमें, तो उससे वो लिंक है आईवीयू का, और वीगन को भी गांधी जी से लिंक है। गांधी जी ने उस भाषण में बोला दूध पीना वेजिटेरियन में नहीं आना है, ये ठीक नहीं है, दूध वेजिटेरियन में नहीं आता है, जो करता है वो गलत है। ओके, मैं भी बकरी का दूध पीता हूँ, ये गलत है, मैं खुश नहीं हूँ, वो डॉक्टर के एडवाइस से पी रहा हूँ, लेकिन ये मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा दुखदायक ट्रेजेडी है, ऐसा बोला था। ये सुन के बहुत लोग सुना दूध पीना ठीक नहीं है, इसीलिए वो अलग वेजिटेरियन सोसाइटी अलग होके वीगन सोसाइटी बनाया। जी जी बिल्कुल। और जैसे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाहर के कंट्रीज में भी आप जाते हैं, तो क्या माहौल देख रहे हैं कि इंडिया के लोग समझ पा रहे हैं वीगनिज्म को? इंडिया में बहुत सारा बदलाव आ रहा है अभी, तो पहले से अहिंसा भारत में है। हाँ, ये भारत में सात्विक परंपरा और धार्मिक परंपरा में अहिंसा है। कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है क्या होता हो रहा है डेयरी इंडस्ट्री में, और गाय को क्या क्या तकलीफ होता है उसको पता नहीं लगता, क्योंकि स्कूल में पढ़ाते नहीं है जी। स्कूल में बोलते हैं गाय दूध देता है, उसको नहीं पता गाय नहीं दूध देता है, हम निकालते हैं जी, हम जबरदस्ती से गाय से निकालते हैं, ये नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए लोगों को ऐसा होता है गाय दूध देता है हम पीते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाय दूध नहीं देती हम निकालते हैं, ये समझाना बहुत जरूरी है। ये सत्य है, ये गाय अपने बिछड़े को दूध देता है, हम मानवों को नहीं देता है। ये अभी अभी बिकॉज ऑफ इंटरनेट के वजह से, और कुछ समझदार लोगों को बताते हैं, लाइक ब्रह्म कुमारीज में बहुत लोग वीगन्स हैं जी। अभी अभी किचन में मैं बात करके आया हूँ, तो बहुत वीगन आते हैं इधर, वीगन को हम वीगन को फूड बना के देते हैं, वैसा बोला, ये बहुत आशादायक है, ये सब लोगों को पहुँचाता है, वो सुनकर लोग बदलते हैं। वो भारत में बहुत लोग अभी वीगन बन गए, वीगन वर्ल्ड पाश्चिमात्य है वेस्टर्न है, बट तत्व इंडिया का है, ये अहिंसा तत्व है, गांधी जी ने इसको जनमानस तक पहुंचाया था। हाँ। और अहिंसा हमारा तत्व है, हमारा धर्म का तत्व है, ये अहिंसा तत्व अप्लाई करते तो दूध नहीं पी सकते हम, दूध में बहुत हिंसा है, इसीलिए हम नहीं पी सकते, इसीलिए वीगन हो जाता है। ये सुन के भारत में बहुत लोग अहिंसा फॉलोवर्स है, वो जैन है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, और बहुत सारा स्पिरिचुअल फॉलोवर्स है, वो सब अभी छोड़ के वीगन बन रहा है। और एक और बात है, इंडिया में बहुत सारा बीमारियां बढ़ रहा है, फैल रही है अभी जी, और पहले कोविड था, उसके बाद बहुत सारा डिसीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है वगैरह वगैरह बहुत सारा है, इसके परेशान होके लोग वीगन बन रहे हैं जी। लोग वीगन बनते तो हमारा तबीयत के लिए बहुत अच्छा होता है, मेरे को खुद बहुत सारा बीमारियां था मैं छोड़ने के बाद, अभी इधर आ सका जी। नहीं तो पहले आर्थराइटिस था, मुझे बैठने के जाने में तकलीफ था जी। अभी मैं अच्छा हूँ, ये दूध छोड़ के बहुत सारा जीवन में परिवर्तन लाया, क्योंकि अभी दूध में वो केमिकल्स भी मिलते हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह भी गाय खा लेती है, ये गाय बहुत सारा खराब खाना खाता है, उसको खिलाना पड़ता है गाय का दूध निकालने वाले, ये दूध केमिकल के भरा हुआ होता है, इसीलिए वो हमारा तबीयत के लिए अच्छा नहीं है जी बिल्कुल। और जैसे इंटरनेशनल वेजिटेरियन फेस्टिवल होने वाला है, वीगन फेस्टिवल आप कह रहे हैं मुंबई में, तो कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और कैसे जा सकते हैं वहाँ पर? ये हमारा फेस्टिवल हर जगह पे होता है, लोकल लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, आईवीयू उसको सपोर्ट करते हैं, पैसा नहीं देता है जी, लोकल पीपल अपना सामर्थ्य की तरफ से वो ऑर्गेनाइज करता है,
मुंबई में अभी एक वाईवी कैरी एक संस्था है, वो संस्था 48th वर्ल्ड वीगन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अक्टूबर 28-29, दो दिन में होता है जी। उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि ये वीगन एग्जीबिशन होता है। वीगन एग्जीबिशन में 150 के ज्यादा वीगन प्रोडक्ट बन के सेल करने वाले एग्जीबिशन होता है, उसको कोई भी आज जा सकता है, कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कोई भी जाके इन्फॉर्मेशन लेके खरीद के आ सकते हैं। एक दूसरा एक कॉन्फ्रेंस है जी, जहाँ इंटरनेशनल स्पीकर्स होते हैं, मैं भी एक स्पीकर हूँ जी। उधर हम वीगन के बारे में, हमारा तबीयत के बारे में बहुत सारा स्पीकर्स बात करने वाले हैं जी। उधर भी चार्ज नहीं है स्पीकर जाने वालों के लिए, बट उधर एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन लिंक है अर्थ फेस्टिवल, आप सर्च करते तो गूगल में मिलेगा अर्थ फेस्टिवल, अर्थ फेस्टिवल मुंबई ऐसा लिख के सर्च कर सकते हैं। ये अर्थ फेस्टिवल मतलब अर्थ को अच्छा है जी, ये हम अपनाते हो एज अ प्रैक्टिस वीगन वगैरह, परिसर की हार्मलेस जीवन जीते तो अर्थ को अच्छा है, वो सारा इंफॉर्मेशन उधर मिलेगा और कॉन्फ्रेंस में भी स्पीकर सुनने के लिए जा सकते हैं जी। बिल्कुल, तो ये कॉन्फ्रेंसेस आप अटेंड कर सकते हैं, एग्जीबिशन अटेंड कर सकते हैं अर्थ फेस्टिवल, इस वेबसाइट पर आप जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वीगन के बारे में, वीगनिज्म के बारे में, और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं काल विराम, फिर हम वापस आएंगे कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाना पर। पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाना। आज हमारे मध्य हैं कर्नाटका से शंकर नारायण जी, आप फाउंडर हैं सात्विक वीगन सोसाइटी से, काउंसलर हैं इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन, और आप मेंबर हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वीगन फूड ट्रस्ट फोर्स, आप फाउंडर हैं स्थित प्रज्ञा विज्ञान फॉरेस्ट। तो आइए उनका फिर से स्वागत करते हैं और इन सभी बातों के बारे में और बेहतर तरीके से जानते हैं। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो ब्रेक से पहले आपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया कि वीगन फॉलो करने का मेन जो आपका मोटो है वो है अहिंसा, जो आप गांधी जी से प्रेरणा लेकर के कर रहे हैं, और बहुत सारे विश्व में भी लोग हैं, लेकिन इसको जो हम कह सकते हैं जो पिलर है वो भारत ही है, क्योंकि भारत अहिंसा को फॉलो करता है। आपसे पूछना चाहेंगे जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके आप मेंबर हैं, ये क्या काम करता है? ये 2020 में एक भारत में बहुत सारा वीगन्स आ रहे हैं, अभी भी लोग फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए फूड सेफ्टी रिकॉग्नाइज करके फूड सेफ्टी अथॉरिटी FSSAI ये एक वीगन फूड टास्क फोर्स ये बनाया। ये टास्क फोर्स का काम क्या है जी? वीगन फूड मार्केट में आता है उसको सर्टिफाई करना। ये वीगन फूड किसी ने बना बोल सकता है जी, फिर वीगन है या नहीं हम कैसे गारंटी होता है जी? वीगन फूड टास्क फोर्स ने एक सर्टिफिकेशन सिस्टम को स्टार्ट करने का प्रोग्राम तो हम अभी बनाया है, अभी पूरा हुआ है, 3 साल हो गया। उस 3 साल में हम काम करके वो अभी बिस्किट केक और कुछ भी पैकेड फूड मार्केट में आता है उधर आप वीगन लोगों देखते तो वो वीगन, वीगन मतलब जो जानवरों को कोई प्रोडक्ट उसमें इस्तेमाल यूज नहीं हुआ वैसा प्रोडक्ट वीगन लोगों है, वो हमारा काम है। वो काम पूरा हो गया, फिर भी हम टास्क फोर्स में हैं क्योंकि कुछ डाउट होते तो, कुछ प्रॉब्लम होते तो वो हमको कंसल्ट करेगा। ओके, कंप्लेन कर सकते हैं और RTI भी मांग सकते हैं आप, वो मांग सकते हैं। हम टास्क फोर्स में जिम्मेदारी क्या है, कंसल्टिंग, उसको आइडिया देना, वो काम FSSAI करेगा, एक गवर्नमेंट का एजेंसी है FSSAI, उसमें एम्प्लॉइज है, उसमें काम करने वाले वो काम करते रहेगा। हम टास्क फोर्स में एक कमिटी है वो उसको आइडिया देते हैं वीगन क्या है वीगन क्या नहीं है, ऐसा आइडिया देने के लिए हमको रखा है, हम एम्प्लॉइज नहीं है, कमिटी मेंबर्स है, कंसल्टेटिव कमिटी जी। तो आप बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ दूध बंद करना ही वीगनिज्म नहीं है, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट्स, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना, उसको हम वीगन फॉलो करते हैं करके कह सकते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वेजिटेरियन वाले भी यूज करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो एनिमल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जैसे पैकेट फूड्स जो हम खाते हैं या बिस्किट खाते हैं, कुछ केक खाते हैं, उसमें क्या क्या यूज करते हैं एनिमल प्रोडक्ट? ये सब फूड, एक फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट में पैकेट फूड प्रोडक्ट में बहुत सारा एनिमल प्रोडक्ट्स होता है, जैसे कि एक डेयरी प्रोडक्ट्स हर तरीके से होता है, दूसरा ये रेनेट और वो भी चीज में वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और कलरिंग वो भी नॉन वीगन हो जाता है, एनिमल से डिराइव हुआ
कलरिंग होता है, वो भी वहाँ से डिराइव हुआ है। बहुत सारा ऐसा प्रिजर्वेटिव वगैरह वगैरह बहुत सारे इंग्रेडिएंट, छोटा मोटा इंग्रेडिएंट हमको नॉर्मल से नहीं पता होता है, बट वो एनिमल से डिराइव होता है। एनिमल से डिराइव होता है मतलब वो बहुत सारा हिंसक है। जी जी, हिंसा, उसके पीछे हिंसा है। इसीलिए जो प्रोडक्ट में एनिमल प्रोडक्ट होता है वो वीगन नहीं हो सकता है, वो पैकड फूड। इसीलिए हम पैकड फूड में वीगन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन अलग अलग तरीके से आइडेंटिफिकेशन होता है अभी। जी 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 बिल्कुल। आपको क्या लगता है, जब हम पैकेट फूड खाते हैं, मजबूरी में कभी कभी खा लिया तो ठीक है, लेकिन जो आदत हमारे पड़े हुए हैं स्कूल लाइफ से ही, हम बच्चों को भी अगर नाश्ता बना के नहीं दे पाते हैं तो हम कुछ पैकेट फूड ही उनको दे देते हैं टिफिन बॉक्स में, तो ये कितना दूर तक सही है? जी, हम किसी तरीके से देखते तो अच्छा जिंदगी नहीं जीता है, जे रहे हैं, खाने में हो जीने में हो प्रॉब्लम है, हर लोग को प्रॉब्लम है। हम प्रॉब्लम कम करके अच्छी जिंदगी जीना हमारा मकसद होता है। इमरजेंसी में कुछ पैकेट फूड खाना पड़ता है कुछ हम भूख मिटाने के लिए, नहीं तो खाना अच्छा नहीं है। खाना सात्विक खाना, खुद बना के घर में बना के फ्रेश फूड खाना अच्छा है। जी, फ्रूट्स खाना अच्छा है। पहले सबको फ्रूट नहीं मिलता है हर टाइम पे, वो कुक बना के कुक करके खाना अच्छा है, ठीक है। चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, सब्जी दाल वगैरह, फ्रेश फूड नहीं है, फील्ड से लाके खाता नहीं है, वो रख के कुक करके दे खाते हैं हम, वो भी ठीक है। परंतु एक खाना डायरेक्टली हम शॉप से मंगवाते हैं वो सब अच्छा नहीं है। हम अपना किचन से खाना पका के खाना अच्छा है, वो अच्छा है। पैक्ड फूड वर्जित है, कम करने तो अच्छा है, जितना कम होता है उतना अच्छा है। बिल्कुल। और आप स्थित प्रज्ञा वीगन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, आप फाउंडर हैं इसके, तो इस फॉरेस्ट के बारे में बताएं कि कैसे आपको आइडिया आया कि एक वन बनाना चाहिए, एक जंगल बनाना चाहिए। यस, ये फॉरेस्ट 3 एकड़ में बना हुआ है, 15 साल हो गया अभी। इसका इंस्पिरेशन भी गांधी जी का थोड़ा हाथ है। मैं 2008 मार्च में इधर साबरमती आश्रम आया था अहमदाबाद में, उधर आने के बाद मैंने ऐसा सोचा हमारा वीगन के लिए एक आश्रम चाहिए, ऐसा बनना अच्छा है। वो स्वतंत्र संग्राम के लिए गांधी जी का आश्रम साबरमती बना था, हमारा वीगन के लिए, वीगन लोगों के लिए एक जगह चाहिए, ऐसा सोच के एक सोचा। फिर मैंने सोचा सब लोग फॉरेस्ट को काटते हैं, काट के घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉरेस्ट कम हो जाता है। जी, मैं थोड़ा अलग करूं, मैं एक फॉरेस्ट बनूं, ऐसा सोच के 3 एकड़ खाली जगह खरीदा, खरीद के उधर 4000 पौधों का पेड़ लगा दिया। और वो रखने के लिए मैं दूसरा लोगों को नहीं रखना चाहता था, मैं भी उधर रहने को शुरू किया, मैं गार्ड के जैसा उधर रहूँगा, मैं होते तो कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं होते तो लोग काट के लेके जाएंगे, इसीलिए मैं उधर रक्षक बन के फॉरेस्ट में हूँ। 1500 बहुत अच्छा फॉरेस्ट हो गया अभी, तो बहुत जानवर रहते हैं, जानवर रहता मतलब ये पेट एनिमल नहीं है, कुत्ता और गाय ऐसा नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, नील गाय आते हैं, डियर आता है, पिग्स और छोटा मोटा मंकीज, पीकॉक्स, हॉर्नबिल्स, जाइंट स्क्विरल्स, मंगू, तो ये पहले नहीं थे, जब फॉरेस्ट क्रिएट किया तब आए, फॉरेस्ट आ गए, ये जानवर आ गए, अट्रैक्ट होके वो भी आए, पहले जगह नहीं था उसको रहने के लिए, उधर अभी शेड है, पानी है, वो रह सकते हैं उधर, इसीलिए तो इसीलिए फॉरेस्ट एक सेंचुरी बन गया। ये मेरे को भी सेंचुरी हो गया क्योंकि मैं भी उधर रहता हूँ जानवरों के साथ। जी, जी, जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपको जानवरों के साथ रहने में, आपको डर नहीं लगता क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स भी है आसपास? एनिमल्स हमारा शत्रु नहीं है, हम उसका फूड चेन में भी नहीं है। जी, अलग होता है, ये लोग हमसे डरते हैं, ये जानवर इसीलिए हमारे ऊपर अटैक करते हैं। जब वो खुद डर जाते हैं हमसे, इसीलिए हम कुछ नहीं करते ऐसा उसको समझ आते तो कुछ नहीं करता। मेरे को कोई अटैक नहीं किया, सांप भी नहीं काटा, कुछ भी नहीं, मॉस्किटो भी नहीं काटते। जी, तो इसीलिए मैं सेफ हूँ उधर, कुछ भी नहीं होता है, एंड जानवर भी हैप्पी,
और लोग भी आते हैं विजिट करने के लिए वहाँ पे? लोग भी कभी कभी आते हैं। मैं पहले हमारा वीगन फेस्टिवल उधर ही बनाता था 2022 के तक, पिछले साल तक उधर बनाया था। मैं बूढ़ा होता जाऊँगा, इससे शक्ति नहीं है मेरे पास ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसीलिए वीगन फेस्टिवल बाहर करने के लिए शुरू किया। इस साल बेंगलोर में था, अगले साल हमारा मैसूर में होगा और दिल्ली में होगा, और चार प्रोग्राम करने को इरादा है मुंबई और भुवनेश्वर में। तो बाहर करता हूँ, उधर कॉन्फ्रेंस और फेस्टिवल नहीं हो रहा है अभी, फिर भी लोग आते हैं। लोग आते हैं, वो बहुत बड़ा ग्रुप में नहीं आ सकते क्योंकि ये जानवरों को डिस्टर्ब हो जाता है जी। अकेला आते हैं तो आ सकते हैं, अकेले पहले बोल के अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है क्योंकि उधर कोई सर्वेंट्स नहीं होता है जी। हमारा कोई काम करने वाला नहीं, फॉरेस्ट में काम करने वाला नहीं चाहिए जी। तो अपने आप रहता है, अपने आप सब कुछ साफ भी हो जाता है, अपने आप जानवर भी ग्रो करते हैं, ये सब सिस्टम अच्छा है फॉरेस्ट का सिस्टम बिल्कुल। इसीलिए हमका हस्तक्षेप नहीं होना है, मैं सिर्फ रहता हूँ, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लाइट भी कम कर इस्तेमाल करता, रात को लाइट नहीं डालता हूँ, और इसीलिए जानवरों को पसंद है मेरा रहना वहाँ पर। हाँ, कोई प्रॉब्लम, दोस्ती है आप, दोस्ती है जानवरों के साथ, कोई क्लैश नहीं है, क्लैश नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे हम छोटे छोटे जंगल क्रिएट करके वो फ्रेश ऑक्सीजन के साथ अपने आसपास रह सकते हैं। ऑक्सीजन भी मिलेगा, पानी ज्यादा होगा, पानी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे आसपास रहने वालों को भी पानी ज्यादा हो गया क्योंकि ग्राउंड वाटर बढ़ गया, फॉरेस्ट क्रिएट करने। फॉरेस्ट रखता है पानी का, एंड रक्त के जब चाहिए और रिलीज करता है, वो दूसरा कुएं में पानी ज्यादा आता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, लेवल भी बढ़ गया ग्राउंड वाटर, सबको पकड़ के रखता है, मिट्टी पकड़ता है, पानी रखता है, और जानवरों को अच्छा है, ऐसे इकोसिस्टम बनता है। ये सबको, हमको फायदा है, जानवरों को फायदा है, सबको है, ये सब हर जगह पे होते तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। मेरा एक थोड़ा छोटा टुकड़ा है, ये बहुत छोटा है, बट ऐसे बहुत ज्यादा कर सकते हैं लोग, कर सकते बिल्कुल। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं, अब तो वक्त हो गया अलविदा कहने का। जो आप एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ने के बाद, जैसे आपने कहा बहुत सारे बीमारियां छूट गई है, बीमारियां उनका इलाज हो गया, ऑटोमेटिक हो गया है, तो ऐसे क्या क्या बीमारियां हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज की बात आप कर रहे थे, ऐसे भारत में कैंसर और ये सब बढ़ता जा रहा है, तो लाइफस्टाइल को धीरे धीरे कैसे चेंज करें? जैसे किसी को हर रात सोने से पहले एक गिलास दूध पीने की आदत है, तो उसको रिप्लेस कैसे करें? ये रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट के पीछे भागना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कभी कभी हमको सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है, हमको सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, ये छोड़ना है छोड़ना। अब लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट क्यों निकालते हैं? सब्स्टिट्यूट नहीं निकालना, ये गलत बात है, छोड़ देना चाहिए, सब्स्टिट्यूट के पीछे नहीं भागना है। जैसे नारियल के दूध पीने से भी फायदा होता है ऐसे लोग कहते हैं, नारियल का दूध पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं, नारियल खा सकते हैं, नारियल का दूध पी सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी या जब चाहे जब खाने में मिला के खा सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूट दूध के सब्स्टिट्यूट बना के दूध के जगह इस्तेमाल करने को प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है जी। देन बाद में लोग कहते हैं वीगन एक्सपेंसिव, वीगन बहुत सारा पैसा चाहिए, अमीरों का काम है, गरीबों का नहीं। मैं गरीब हूँ, मैं वीगन होके 23 साल हो गया अभी, कोई महीने में 1,000-2,000 पैसा चाहिए जीने के लिए, ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि 2,000 खर्च करना वाला अमीर नहीं होता है महीने में जी। इतना कम पैसे में हम वीगन बन के रह सकते हैं बीमारियां दूर करके। हम सब्स्टिट्यूट के पीछे जाते हो वो प्रॉब्लम हो जाता है, वो फाइनली प्रोसेस्ड होता है, वो वीगन मीट बनता है। अगर वीगन मीट बनते तो वो सब्जी से बनता है, वो बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं, ऐसा 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 करके, वो तबीयत के लिए अच्छा नहीं है जी। परिसर के लिए भी अच्छा नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट के पीछे भागना अच्छा नहीं है। तो सिगरेट बना अच्छा नहीं है, छोड़ दो, जानवरों को खाना अच्छा नहीं है, छोड़ दो, बस हमको अच्छा होता है। थोड़ा चेंज टाइम में थोड़ा तकलीफ जैसे लगता है, वो तकलीफ नहीं होता है, प्रैक्टिस हो जाता है, आदत हो जाती है, फायदा बहुत अच्छा है, आपको फर्क जल्दी से पता चल जाता है। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वो जानवरों को मांस मच्छी खाने को छोड़ने के बाद इमीडिएट फर्क पड़ने लगता है। ऐसे बहुत सारा बेनिफिट्स है। मेरे को भी बहुत सारा प्रॉब्लम था पहले, आर्थराइटिस था, जॉइंट पेन और किडनी स्टोन था जी। और एलर्जी था और बहुत सारा छोटा मोटा प्रॉब्लम था,
कभी भी बीमार पड़ना, बुखार आना, इम्यूनिटी कम हो जाती, इम्यूनिटी कम हो जाता था। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुराना पाप का परिणाम तो कुछ होता है जी, जो कर्म का थ्योरी है जी, जो हम करते हैं उसका खाना पड़ता है, वो पहले पाप किया उसका भी असर अभी है थोड़ा, नहीं तो मैं बहुत सारा इम्प्रूव हो गया जी बिल्कुल। तो इसीलिए सबको फायदा मिलेगा, एक्टिव फील होता है, एक्टिव फील होता है, लाइट फील होता है, लाइट फील होता है, हम जल्दी से नहीं थक जाते हैं, ये सब होता है। बट या प्रॉब्लम भी कम हो जाता है, रोग और बीमारी कम हो जाते हैं, खुशी बढ़ जाती है क्योंकि आप किसी एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाते, हम ना हार्म नहीं करते हैं, मन आसान हो जाता है, खुशी शांत हो जाता है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शंकर नारायण जी। और जैसे आप ये वीगन सोसाइटी के फाउंडर भी हैं, एक फॉरेस्ट आपने क्रिएट किया है जिसका नाम आपने रखा है स्थित प्रज्ञ, और जहाँ पर आप खुद रहते हैं जानवरों को भी स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहने के लिए आपने मौका दिया है। एंड थैंक यू सो मच हमारे मध्य आने के लिए। अभी हम इस प्रोग्राम से विदा ले रहे हैं, तो जाते जाते कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश तो आप अपना जीवन का जिम्मेदारी लीजिए, किसी और से नहीं छोड़िए, डॉक्टर के पास या दूसरों के पास नहीं छोड़िए, अपना जिम्मेदारी अपने के पास ही होना है। हमारा खाना, हमारा जीना, हमारा जिम्मेदारी हो, सब लोग अच्छा होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वी आर आवर ओन डॉक्टर्स, आवर ओन प्रोटेक्टर्स, ऐसा होना है। दूसरा, मेरा हिंदी खराब था मुझे पता है, ब्रह्मा कुमारी आने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरा इंग्लिश काम नहीं करेगा, मेरा थोड़ा हिंदी अच्छा करना है, हिंदी सीखना है, हिंदी सीख के थोड़ा ज़्यादा लोगों से मैं बात कर सकता हूँ, ऐसा लगा। भाव समझना चाहिए, और आपकी हिंदी से आपकी भावनाएं हम समझ पा रहे हैं, हमारे श्रोतागण भी समझ पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इसीलिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी, नई दुनिया नया जमाना में। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कॉल करके, मैसेज या फोन करके बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9414151415 पर। और सर ने जैसे कहा अर्थ फेस्टिवल, इसे आप गूगल पे सर्च करें इंटरनेट पे, और इसके बारे में जानकारी जाने और विगन के बारे में और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो इस फेस्टिवल्स को आप अटेंड भी कर सकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते नमस्ते।